मकान, ये भी तो बॉडी भी तो मकान है ना। जब अल्लाह ने आपको पैसा दिया तो तीन चीजों को पहले फोकस करो। नंबर एक, खुराक सबसे टाइट। जाती मकान बना लिया लेकिन अच्छा खाने के पैसे नहीं बचे, भाड़ में जाए ऐसा मकान, ये भी तो बॉडी भी तो मकान है ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। ये मुफ्ती तारिक साहब थे जी, पता नहीं कौन कौन से कहां कहां से ये हदीसें ढूंढ के लाते हैं अपने मतलब की। हमने तो नबी को ऐसे करते नहीं सुना कि इस तरह करो जी, ये करो, बॉडी भी तो फलाना टमकाना। नबी तो एक वक्त या मैक्सिमम दो वक्त की रोटी खाते थे। उस वक्त भी वैसे दो वक्त की लोग रोटी खाते थे, लेकिन नबी हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो वक्त की ही खाते थे और पेट भर के नहीं खाते थे। ये जो बाद में लिखा खूब पर पर के दूध पिया, प्याले से ये किया वो किया, बकवास, कूट पे मरे देने। अच्छा जी, हरा काम में खरा ये हमने करना है जी। आपने देख ले मरियम तो आ गई लग के ना मेहरमों के साथ बैठ बैठ के, देखा होगा तो भी ठंडे थे अभी ठंडी। अच्छा जी, सब्सिडी एक होती है कि किसी चीज़ में गवर्नमेंट रियायत करती को मुनाफा नहीं होता बोला। 150 बिलियन की, ये कार्टल जो होते हैं ना, ये कार्टलों का सरबराह है शहबाज शरीफ, 150 बिलियन की सब्सिडी दी है फर्टिलाइज़र को। अच्छा जी, उसमें मोस्टली जो सबसे ज़्यादा मिली है वो बबर शेर खाद वाले, वो हुसैन दाऊद वाले जिनका पोता और पोतरा और बेटा खाकस्तर हो गए, रुई के धुनी हुई रुई की तरह उड़ गए समुद्र में टाइटैनिक देखने। जो 2,72,000 डॉलर डेली पाकिस्तान से लेते हैं उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद फिर ये फौजी फर्टिलाइज़र, नेशनल फर्टिलाइज़र तो फलाना थे टमका ये कर दिया जी। अच्छा जी, उसमें क्यों दिया जी, वो बत्ती महंगी हो गई थी, वो फलाना हो गया, ऑयल महंगा हो गया था, वो एनर्जी में थी तो फलाना। इन्होंने एक पैसा नहीं दिया कि सब्सिडी दें तो हम इसको दें, जिम्मेदारों को दें जो बेचारे तरह से ब्लैक में ले रहे, और माफ़ी है जो जिम्मेदारों में बैठे हैं ना, वो ब्यूरोक्रेट को फ़ोन करते हैं सर 2 करोड़ देना, ज़रा खाद चुकनी है तो पहले एडवांस जाके दे देते डिस्ट्रीब्यूटर को या डीलर को या अंदर मेला ले को, तो ये पकड़ो जी ये 2 करोड़ का साडा माल दे दो, तो यह 5 लाख थोड़ा है जी। वो फिर माल भी उधर ही पड़ा रहता तो ये तो वो वगैरह वगैरह, वहाँ पे किसी को जरूरत नहीं कोई हाथ डाल के दे दे। एक खान ने जो बयान दिया था पिछले दिनों, वो सब्सिडी मुक गई जी, रंडी रोना मुक गया, नोहा मुक गया जी, 150 बिलियन के एक एक पैसे को तरसने। उधर जो पैसे लेने गए थे ना, वो वादे वाईद हुए, वहाँ पे कोई पैसा नहीं, ना तेल मिला, ना अमानत के लिए पैसे मिले, ना खयानत के लिए, खयानत मिलनी थी ना, ठेके देने तो था ना, अमानत के मिले लिए पैसे मिले, वो इनके पास अमानत पहले भी तो 3 बिलियन रखा है ना, ना खयानत के लिए मिले, कह लो जो कोई डेवलपमेंट को मोटर वे को रह गया तो वहाँ बना लो तो कमीशन ले लो, ना अमानत ना खयानत। अच्छा जी, ये 150 बिलियन इन्होंने दे दिया। अब बात करें जो इमरान ने ठोका ठाई की थी, मुनीरे मिस्त्री का नाम लिया था, इलीगल आर्मी चीफ, कर्नल साहब हम ठीक जे ना, कह रहे गालियाँ ना दिया करो, ये कह दिया करो आपका हक आप जो बात कर, गाली गलौज ना दिया करो, हमारे मुल्क के 7.5 लाख अवाम का सरबराह, 7.5 लाख फोर्सेस का सरबराह है, तो उसको गाली ना दिया करो। अच्छा जी, फिर ये बात करने छोटे छोटे क्लिप बनाएंगे, वो जो इमरान खान ने किया था इलीगल आर्मी चीफ को खड़काया था, वार्निंग भी दी थी, मिन्नत अरला भी किया था, किसी बगैरत ने उसको नहीं किया सवाए मरवत के, उसके रीट्वीट तो कर दो। एक बात जो इमरान खान का तो फेसबुक है ना, वहाँ पे भी किसी ने नहीं शेयर किया, इन बड़े बड़े जगादरियों की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये थी, जो ट्वीट किया था इमरान खान का, कोई तो ट्वीट कर रहा ना, सिर्फ मरवत ने वो रीट्वीट किया था। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने एजेंट हैं, कितने काने होंगे मुनीरे के। बस अल्लाह ताला इनको राय हदायत दे।
अगली बात कर लेने, शायद वासी ने नई जमात बना ली है जी, उसमें ये टूटे भजे जाएंगे, ये अली जैदी भी जाएगा, इमरान इस्माइल भी जाएगा, और मुस्लिम लीग के भी आएंगे, चौधरी निज़ार भी जाएगा, और वो जो उनके पास तो डिंग डोंग बबल वाला आएगा ना वो भी जाएगा, इस्माइल इंडस्ट्री वाला। अच्छा जी, फिर क्या, और भी जो जुबैर भी जाएगा, इस तरह करके जमात की उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। कम अज़ कम वो उससे, वो जो IPP और PPP बनी थी पार्लियामेंटेरियन, उससे अच्छी जमात बनेगी। एक तो ये बात आ गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो था ना, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने भी तमाम कंसोर्टियम होता है, आज चंगे चंगे सर्कट में बंदे वो बैठ के होते हैं, उन्होंने कहा कि 2022 और 2023 में 1 करोड़ बंदा बेरोजगार हुआ, और 2023 और 2024 जिसमें भी तीन माह बाकी हैं, उसमें भी मज़ीद 1 करोड़ बेरोजगार होने का खदशा। यूनिट जो बंद हो जा रहे, की करें। बाजवा की दरख्वास्त थी, वड वड़ी क्या हो गया, रिजवान बासी उसकी तरफ से आया, वो दबका सिर्फ बाजवे को दबका लगा, चुप कर जाने था, तेरी दरख्वास्त चला देंगे। वो जो एक मोहसिन अख्तर के खिलाफ जो दरख्वास्त गई थी, उसकी ब्रेकिंग न्यूज एक आ रही है, दम पे चढ़ी हुई है। नवाज शरीफ झुक गया, बिक गया, फटने वाला कुछ नहीं। राणा अपना, राणा आई लव यू राणा, फिर अफनान शायद मुशाहिदुल्ला खान का बेटा, फिर जवेद लतीफ, नजम सेठी, सुहेल वड़ैच, अबसार आलम, अबसार अंसार बासी, ये कुत्ता बिले हड्डी डाल दो लिफाफे के साथ, खबर भी चली जाती ना इतनी की खबर बना के, तो ये उसमें लपेट के चले जाते हैं। वो होती सारी ब्लैक मनी, उसका कहीं तो चेक चला जाए तो ले लेंगे चेक भी, लेकिन ब्लैक मनी होती कहीं आया गया नहीं, चलो जी कान बच्चा कौन हो जाता उसका। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे, अगर आपने अपनी बका बनानी, अगर पॉलिटिक्स करनी है तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जा, अगर गवर्नमेंट जाए तुझे क्या मिल रहा, गवर्नमेंट जाती तो जाए, लेकिन तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जा। कोई ऐसा इन बगैरतों में नहीं है कि जो IG के खिलाफ दरख्वास्त दे दे, किस तमाम IG को, उसने ये किया, उसने वो किया, भाई ए भाई बी लगवा दे, लेकिन नहीं, बस सारे इस पैसे